प्यारे बच्चों, कल हमने अक्षर ओ और उनसे बने शब्द पढ़े थे। ओ के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे औ। औ में भी क्या छिपा है? आ छिपा है। जैसे कल हम लोग देखे थे औ में ओ में आ छिपा है, औ में भी क्या छिपा है? अ और फिर उसकी मात्रा। सबसे पहले हम लोग आ लिखेंगे। आ के बगल में एक डंडा डालेंगे और डंडे के ऊपर ही हम लोग दो तिरछी लकीर बनाएंगे। ये अक्षर हो जाएगा औ। औ औ हम लोग बोलते हैं होठों के बीच से। एक बार बोलकर उच्चारण कीजिए औ। इसमें हम लोग गले और होठों से दोनों का इस्तेमाल करके औ का उच्चारण करते हैं। औ औ से औरत। औरत जैसे मम्मी लोग हैं, आंटी हैं, दादी हैं, नानी हैं, जो बड़ी हो जाती हैं उन्हें हम लोग औरत कहते हैं। अब ये है औषधि। औषधि का मतलब है दवाई। औषधि, औषधि मीन्स दवाई। हम लोग घरों में मम्मी या दादी जब बीमार हो जाते हैं तो तुलसी, अदरक, गोल मिर्च का इस्तेमाल करके आपके लिए काढ़ा बनाती हैं, या जब हम लोग को बुखार होता है तब दादी माँ कुछ औषधि घरेलू उपाय करके देती हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं औषधि। औषधि मीन्स दवाई। हम लोग बीमार होने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब हैं औजार। इनमें से कुछ औजार आपने अपने घरों में देखे होंगे। जब घरों में हम लोग कोई बिजली का काम करते हैं, कभी कोई मिस्त्री आता है, कोई लकड़ी का काम होता है, तो हम लोग इन औजारों से ही उनकी मरम्मत करते हैं या बनाने में ये औजार हमारी सहायता करते हैं। औजार। औ से एक बार आप फिर सारे शब्दों को याद करेंगे। औ, औ से औरत, औ से औषधि, औ से औजार, और नीचे बिंदुओं को मिलाकर औ लिखने का अभ्यास करेंगे। बुक में लिखने के बाद आप कॉपी में भी औ लिखेंगे टू टू फिंगर डिस्टेंस के साथ, और अ लिखने के बाद बगल में डंडा लगाएंगे और डंडे के ठीक ऊपर ही आप दोनों तिरछी लकीर बनाकर अ लिखने का अभ्यास करेंगे। दूसरा मिला है आपको आज अभ्यास, चित्र देखकर सही वर्ण लिखें। आपको चित्र पहचानना है और उनसे संबंधित सही वर्ण इसमें लिखना है। जैसे ये क्या है? होंठ, ओंट। ओंट किससे होगा? ओ से। एक, एक किससे होगा? ए से, एक। इसी तरह आपको चित्र पहचानना है, शब्द का उच्चारण करना है और वर्ण की पहचान करके, अक्षर की पहचान करके इसमें आपको सही वर्ण लिखना है।